हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने कार के ग्लो प्लग को कैसे चेक कर सकते हैं। तो गाइस ग्लो प्लग जो है हमारे कार का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर ग्लो प्लग खराब होगा तो हमारी गाड़ी में जो है लेट स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आएगी, साथ ही साथ हमारी गाड़ी जो है वाइट स्मोक भी देने लगेगा। तो गाइस बिना किसी देरी के इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की नई नई वीडियोज लाता रहता हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टेड होती हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस ग्लो प्लग को चेक करने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक कवर हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ग्लो प्लग है वो सिलेंडर हेड पे लगा हुआ होता है। तो गाइस यह इजीली एक्सेसिबल नहीं होगा जब तक हम लोग ये कवर नहीं निकालेंगे। तो मैं कवर साइड में निकाल कर रख लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ग्लो प्लग एक्चुअली होता कहाँ पर है। तो गाइस से जो आप वायर्स देख रहे हैं, 1, 2, 3 यही जो है ग्लो प्लग से वायर है। तो गाइस इसी कारण ही हमारा कार जो है परफेक्ट स्टार्ट हो पाता है बिना लॉन्ग सेल्फ लिए। मॉर्निंग में जो है बहुत हेल्प करता है ग्लो प्लग कि हमारा कार जो है एक बार में स्टार्ट हो एक सेल्फ में। तो गाइस ग्लो प्लग को चेक करने के लिए हमको सबसे पहले एक वायर लेना पड़ेगा जो हमको बैटरी के पॉजिटिव पे लगाना है। तो गाइस मैंने बैटरी के पॉजिटिव पे एक वायर लगा लिया हुआ है। तो हमको अब करना क्या है कि जो ग्लो प्लग के ऊपर जो कपलर लगा हुआ है ये कपलर को निकालना है, और जो मैंने जो आपको पॉजिटिव वायर जो हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट किया है उसको ग्लो प्लग पर टच करना है। ग्लो प्लग पर अगर टच करने के बाद थोड़ा थोड़ा अगर स्पार्क दे रहा है तो हमारा ग्लो प्लग जो है एकदम अच्छे से काम करेगा, मतलब कि ग्लो प्लग जो हमारा सही है। अगर स्पार्क नहीं है तो समझ जाना कि ग्लो प्लग जो है हमारा डेड है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इस वायर को इसमें टच करके देखेंगे ग्लो प्लग। और गाइस ध्यान रखना कि गाइस ये जो वायर है बॉडी पर टच ना हो, बॉडी पर टच होगा तो ऐसा ही स्पार्क निकलेगा। मैं वायर को ग्लो प्लग पर टच करने जा रहा हूँ और जैसे मैंने टच किया तो गाइस आप देख सकते हैं हल्का हल्का जो है इसमें स्पार्क निकल रहा है। अब अच्छे से ध्यान से देखिए तो पता चलेगा कि इसमें स्पार्क निकल रहा है। अगर स्पार्क निकल रहा है तो मैंने बताया था कि अगर स्पार्क निकलेगा तो गाइस ग्लो प्लग जो है हमारा काम कर रहा है, सही है। अगर ग्लो प्लग पर स्पार्क नहीं निकलेगा तो ये टोटली डेड है। तो गाइस अब हम दूसरे ग्लो प्लग को भी टच करके देखते हैं, अगर उसमें भी स्पार्क निकला तो वो ओके होगा, नहीं निकला तो वो डेड होगा। तो बट देख लेते हैं, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देख सकते हैं हल्का हल्का जो है स्पार्क निकल रहा है। स्पार्क निकला मतलब कि है हमारा ग्लो प्लग काम कर रहा है, स्पार्क ज़रूरी है। और सेकेंड पर देखते हैं, उसमें भी देखो हल्का हल्का स्पार्क निकल रहा है, मतलब कि ये भी ग्लो प्लग जो है एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। तो गाइस कुछ नहीं, बस एकदम सिंपल टेक्निक है इसी से हम लोग को चेक करने की ग्लो प्लग सही है या नहीं। इससे अगर ये ख़राब है तो हमको बस इसको रिप्लेस कर देना। अगर इसे रिप्लेस करने के बाद हमारी गाड़ी जो है एकदम परफेक्ट स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको कुछ पार्ट अच्छा लगा या ना लगा, या अगर वीडियो में कुछ सुधार करना है तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको किसी नई टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं इस टाइप की नई नई वीडियोस लाते रहता हूँ। थैंक यू।